दरभंगा बस स्टैंड में टिकट काटने का लेकर हुआ विवाद, फिर पहुंची पास थाने की पुलिस, फिर यात्रियों में मची सनसनी। जी हां, आज दिल्ली मोड़ के पास स्थित बस स्टैंड में अचानक पहुंची पास थानों की पुलिस से यात्रियों में सनसनी फैल गई। आपको बताते चले कि शनिवार के तकरीबन दिन के 9 बजे मब्बी थाना, विश्वविद्यालय थाना, सदर थाना, बालपट्टी थाना एवं ट्रैफिक थाना की पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंची। वहीं बताया जाता है कि बस स्टैंड के इंचार्ज को लेकर विवाद चल रहा है, जहां एक पक्ष का कहना है कि सरकार के द्वारा टेंडर हमें मिला है, जिसको लेकर बस स्टैंड के अधीन सभी बसों का टिकट हम लोग ही काटेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर पुराने इंचार्ज का कहना है कि हम लोग के पास कमिश्नरी ऑफिस का एक लाइसेंस है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि हम लोग बसों का टिकट काट सकते हैं। वहीं उनका यह भी कहना है कि विगत कई सालों से इसी तरह से यहां पे कार्य होते आ रहा है, लेकिन इस बार टेंडरदारी द्वारा इसे रोका गया है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पची पांच थानों की थाना प्रभारी ने सभी लोगों से शांति बनाए की अपील की, और उनका यह भी कहना है कि द्वितीय पद जो की कमिश्नरी ऑफिस का लाइसेंस दिखा रहे हैं, उसमें कहीं यह जिक्र नहीं है कि आप बस स्टैंड के अंदर ही बसों का टिकट काट सकते हैं। इसलिए विगत आप लोगों को 102 दिन का टाइम दिया जाता है, आप लोग स्पष्टीकरण कीजिए कि आप लोग को बस स्टैंड के अंदर ही टिकट काटने की अनुमति है। इधर आपको बताते चले कि यह बहस एक बड़ी घटना का रूप ले सकती थी, लेकिन पुलिस की तत्परता से यह घटना मौके पर ही टल गई। ट्रैफिक डीएसपी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि दोनों पक्षों से बात हो गई है। वहीं दूसरे पक्ष जिसके पास कमिश्नरी ऑफिस का पत्र है, उसमें कहीं जिक्र नहीं है, इसी के लिए उसे टाइम दिया गया है, उसको सोमवार का समय निर्धारित किया गया है। आगे देखिए क्या है मामला। मामला यही है कि बस मालिक हम लोग को देख रेख करने के लिए दिया था, पर अब पुलिस प्रशासन का कहना है कि बस मालिक से अधिक कराइएगा तभी आप आके अंदर में आ सकते हैं। वहाँ जो अभी जो स्टैंड लिए हुए हैं साथ बिहारी जी के नाम से, उसका आदमी सब बोलता है कि जब हम ही लेंगे इंचार्ज, अति लिए हम तो इंचार्ज हम ही लोग लेंगे, बस को देखभाल हम ही करेंगे। आप हम लोग से कमिश्नरी ऑफिस से अति मिला है लाइसेंस, तब भी रहने नहीं दिया। तो क्या आप लोग, क्या प्रशासन से क्या मांग है आपका? प्रशासन से मांग यही है कि हम लोग यहाँ से भरण पोषण करते थे, अभी नहीं हो रहा है, सही निर्णय का अति किया जाए। तो प्रशासन अभी क्या कहा है? प्रशासन बोले हैं सोमवार तक रुकने के लिए। तो आप लोग को जो ये पत्र मिला है, जी जी, तो पत्र मिला है, क्या पत्र कहाँ से मिला है? कमिश्नरी ऑफिस से। कितने दिनों से यहाँ काम करते हैं आप लोग? पहले तो इस साल, इससे पहले भी करते थे, और अभी कुछ दिन से नहीं कर रहे थे क्योंकि नहीं, हमारे पास लाइसेंस नहीं था। लाइसेंस नहीं था। आप लोग कहना है कि हम लोग को भी यहाँ रहने का मौका दें, गरीब आदमी थे, कमाते थे, खाते थे, यहाँ रहते थे। तो आप लोग किसके कहने पर यहाँ रहते हैं? किसी के मालिक, ऑनर के, बस मालिक के। संख्या पुलिस वाला, पुलिस आई है, कई थानों की पुलिस यहाँ पहुँचे, क्या पूरा मामला है यहाँ? मामला यही है कि हम लोग लाइसेंस बना करके बस पड़ाव में आए, दिल्ली बस पड़ाव में। सर लोगों का नाम है कि सर मैंने सर, हाँ सर, मतलब थाना प्रभारी वगैरह, पदाधिकारी वगैरह का भी कहना है कि बड़ी पदाधिकारी जब तक आगे आप इसमें काम नहीं कर सकते। तो आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं कि किसके आदेश पर और किस तरह काम कर रहे हैं? मालिक हम लोग को लिखित दिए हुए हैं, उसी का आधार पर हम लोग आए थे। तो क्षेत्र निर्धारित है कि इस जगह काम करना है, उस जगह काम करना है? नहीं नहीं, लाइसेंस का क्षेत्र निर्धारित नहीं है। प्रशासन द्वारा क्या कहा गया अभी आपको? प्रशासन द्वारा कहा गया है कि वरीय पदाधिकारी डीएसपी से आप सोमवार को टाइम दिए, सोमवार को क्लियर करके उसके बाद आप लोग को ये लाइसेंस कहाँ से मिला था, किस विभाग से? कमिश्नरी से मिला। आप लोग क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से मांग करते हैं कि हम लोग को लाइसेंस को देखते हुए हम लोग रहने का आदेश दिया जाए, जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसको बताए। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार। कौन जगह है ये? दिल्ली। आते हैं डीएसपी हैं, यहाँ क्या मामला है, क्या है? दिल्ली मोड़ पर दो पास के बीच में टिकट काटने के लिए प्रॉब्लम था, जो नया इशू हुआ, इसमें स्पष्ट नहीं हुआ कि कहाँ पर आपको टिकट काटना है। जब तक इनका स्पष्ट नहीं हुआ, इनको मना कर दिया गया, आप टाइम दिया गया सोमवार तक, जो आप स्पष्ट करवा लीजिए कहाँ टिकट कट रहा है, उसके बाद आप आगे करो। मामला क्या है? मैं टिकट काटने के लिए, पैसा वसूलने के लिए है। पैसा उस टिकट तो ऑलरेडी यहाँ सरकार द्वारा निर्धारित है, जो वेंडर है वो तो काट रहे हैं। तो पहले नया अपने